नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको जानकारी देता है आपसे जुड़ी हर एक ज़रूरी खबर की, आपको आपके अधिकार की, ताकि भविष्य में या वर्तमान में आपके किसी भी अधिकार का हनन ना हो और आपको अपने आप से रिलेटेड हर मुद्दे के बारे में सही और सटीक जानकारी हो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसके लिए आप सबको जानना और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये चैनल दिव्यांगजनों को समर्पित है, अर्थात ऐसे लोग जो अपने जीवन में किसी एक पर्टिकुलर काम को करने में अक्षम हैं। जैसे कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो कोई देख नहीं सकता। यानी कि हमारे 100% अगर हम अपनी बॉडी को लें तो इसका कोई एक भाग काम नहीं करता। हाँ, किसी केस में एक से दो हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये एक ही होता है। यानी कि लगभग 100% के हम अपने शरीर में, अगर हम ये मान लें कि हमारे 10% हम काम नहीं करते, लेकिन 90% तो वो फिट है ना, 90% काम हम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि लोग उस 90% को देखने के बजाय सिर्फ उस 10% को देखकर रोने लग जाते हैं कि हाँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो ये इस लायक ही नहीं हूँ। ठीक है, हाँ, कि आप किसी एक पर्टिकुलर काम के लायक नहीं हैं, आपको एक विशेष काम है जो नहीं कर सकते, लेकिन बाकी काम तो आप सभी कर सकते हैं। तो कहने का मुद्दा ये है कि एक बात, कभी भी ज़िंदगी में जो आप नहीं कर सकते सिर्फ उसको पकड़ करना बैठें, जीवन में देखिए कि आप बाकी क्या काम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसी इसमें कौन सी बात है जो हम नहीं जानते, हम तो सब कुछ जानते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सब कुछ जानते हैं और आपको पता भी है, लेकिन इसमें कहने का मतलब ये है कि एक ज़माना था, एक टाइम था जब हैंडीकैप के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था किसी चीज़ के लिए भी। घर में रहते थे, सपोर्टिव सबकी फैमिली हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर ले जाए, आपको कोई स्किल सिखाए या आपको एजुकेशन दे। स्कूल जाने में भी प्रॉब्लम होती होगी, सब फैमिली इतना सपोर्ट भी नहीं करती कि आपको रोज़ लाना ले जाना कर सके। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको हम कहते हैं, या ये तकनीकी जो विकास अभी हुआ है पिछले कुछ सालों से, एंड्रॉयड फ़ोन हर किसी के घर में होते हैं, हर किसी के पास होते हैं, और वो एंड्रॉयड फ़ोन यकीन मानिए कि वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको और आपके जीवन को बेहतर से और बेहतर बना सकता है। अगर किसी को पढ़ने का शौक़ है, वो पढ़ लिख कर अपने जीवन को इतना सक्षम बना सकता है कि वो आगे चलकर कोई आजीविका कमा सकें। आप पढ़ाई कीजिए, घर पर ट्यूशन दीजिए, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती आप वो सीखिए। आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सही करना सीख सकते हैं, आप अगर महिला हैं तो आप सिलाई बुनाई कढ़ाई या तरह तरह की डिशेस बनाना सीख सकते हैं। कोई सपोज़ मैं एक बात बताती हूँ कि एक हैंडीकैप महिला है और वो किसी शहर में रहती है, तो वो खाना बनाना बहुत अच्छे से सीख सकती है। और खाना बनाने के आप जानते हैं कितना स्कोप होता है, आप डब्बा का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि ना वो खुद अपने लिए सक्षम होगा, बल्कि वो और 4 सक्षम लोगों को अपने साथ में जोड़ सकता है। तो सबसे पहली चीज़, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है कि हम कुछ कर नहीं सकते। दूसरा, जो आपके हाथ में ये एंड्रॉयड फ़ोन है जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसका प्रयोग आप अपने जीवन को सुधारने के लिए करें। कभी भी इस चीज़ को लेकर ना बैठें कि हाँ, हमसे होगा नहीं या हम कर नहीं सकते, क्योंकि जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बशर्ते कि वो काम चुनने के लिए आपको थोड़ी सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी, ताकि आगे चलकर उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको फेस ना करने पड़े। तो पहली चीज़ ये, और दूसरी ये, मैं जितने भी मेरी वीडियो को कोई गार्जियंस देख रहे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं या जिन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें कि बच्चों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो किसी एक क्षेत्र में, किसी एक चीज़ में अनकंफर्टेबल है या अक्षम है, तो आप उसकी एजुकेशन पर यकीन मानिए आपको एक नॉर्मल बच्चे से भी कई गुना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा नागरिक, एक पढ़ा लिखा इंसान बनने के बाद ही वो अपने अधिकारों को समझने के साथ साथ अपने जीवन को, अपने जीवन स्तर को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है कि जब उसकी कामयाबी के सामने उसकी अक्षमता को शायद लोग देखें ही ना। तो
लास्ट टाइम में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अच्छे से तैयारी कीजिए। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो अपने बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इस एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से बिल्कुल उस चीज़ के लिए सोचिए। और अपने आप के अंदर एक मोटिवेशन हमेशा बनाए रखिए कि हमें करना है और हम कर लेंगे, हम किसी पर बोझ नहीं है, हम किसी पर डिपेंड नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।